जैन साथियों, संध्या एजुकेशन स्टूडियो में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसका आज 3300 दिन है। अभी तक आप हमारे साथ लगातार बने रहिए तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही में इस टेस्ट सीरीज से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो लगातार हमारे साथ अंत तक आप बने रहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यांश में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? वाक्य हमारा, गीता को अचार अच्छी लगती है। यहाँ पर जो रेखांकित अंश है वो क्या है? अच्छी लगती है। इसके स्थान पर हम कौन सा उपयुक्त विकल्प सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो रेखांकित अंश है अच्छी लगती, इसके स्थान पर जो हमारा सही विकल्प होगा वो होगा अच्छा लगता है। कौन सा होगा? अच्छा लगता। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न वाक्य के रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? वाक्य हमारा, बेटों में युद्ध हो गई। यहाँ पर जो रेखांकित अंश है वो क्या है? युद्ध है। तो युद्ध के स्थान पर हम सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं? यहाँ पर हमारा जो रेखांकित अंश है युद्ध, युद्ध के स्थान पर हम जो उपयुक्त शब्द सिलेक्ट करेंगे वो करेंगे ऑप्शन नंबर 1 को, लड़ाई। बेटों में लड़ाई हो गई। जब हम लड़ाई शब्द को यहाँ पर प्रयोग में लाएंगे तो हमारा वाक्य क्या होगा? सही होगा, बेटों में लड़ाई हो गई। अगला हमारा प्रश्न है, मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ये जो हमें वाक्य दिया गया है इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द हमें सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा जो वाक्य दिया गया है, मेघदूतम महाकवि कालिदास का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ पर जो हमारा कालिदास शब्द लिखा गया है ये हमारा गलत है। इसके अंदर जो हमारा कालिदास है, कालिदास के अंदर जो ली की मात्रा है वो हमारी क्या आएगी? छोटी ली की मात्रा आएगी। अगला हमारा प्रश्न है, जो पहले न हुआ हो, इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। हमारा वाक्यांश क्या है? जो पहले न हुआ हो। इस वाक्यांश के लिए हमारा जो सार्थक शब्द होगा वो होगा हमारा अपूर्व है। कौन सा होगा? अपूर्व है। जो पहले न हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं? अपूर्व हम उसे कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश क्या हमारा? वह स्थान जहाँ स्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह हो। उस स्थान को हम कहते हैं संग्रहालय। क्या कहते हैं हम उसे? संग्रहालय कहते हैं। संग्रहालय के अंदर जो स्थायी महत्व की वस्तुएं होती है उन्हें क्या किया जाता है? एक जगह संग्रह करके रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, अविचल का विलोम निम्न में से नहीं है। जो हमारा अविचल शब्द होता है उसका विलोम शब्द हमारा यहाँ पर कौन सा नहीं है? यहाँ पर जो हमारा अविचल शब्द का जो विलोम शब्द नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 में क्या लिखा है? जड़। जो हमारा जड़ शब्द है वो अविचल का विलोम नहीं है। जहाँ बाकी के जो तीनों शब्द हैं वो हमारे अविचल के विलोम शब्द हैं, जिनमें डावाडोल, डुलमूल, विकल, ये तीनों क्या है? अविचल के विलोम शब्द हमें दिए गए हैं। अगला हमारा प्रश्न है, यह हाथी विशालकाय है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। हमारे यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है वो क्या है? हाथी। यहाँ पर हमारा जो हाथी का पर्यायवाची दिया गया है वो क्या है? हस्ती शब्द। कौन सा शब्द है? हस्ती। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? जो चारों वाक्य दिए गए हैं इनमें से एक वाक्य में सर्वनाम से संबंधित हमारी अशुद्धि है, उसे हमें यहाँ पर अलग करना है। यहाँ पर हमारा जो सर्वनाम संबंधी अशुद्धि वाला जो वाक्य है वो है ऑप्शन नंबर 4, तुम तेरा घर स्वयं खुद संभालो। यहाँ पर हमारी जो अशुद्धि दी गई वो क्या है, सर्वनाम से संबंधित यहाँ पर अशुद्धि है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान के लिए सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? वाक्य हमारा, मेरे बच्चे प्रतिदिन रिक्त स्थान टहलने जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो सही शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, अंधेरे में। मेरे बच्चे प्रतिदिन अंधेरे में टहलने जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? हमारे जो चारों वाक्य दिए गए हैं इनमें से क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाला वाक्य कौन सा है? यहाँ पर हमारा जो क्रिया विशेषण से संबंध रखने वाला जो वाक्य है वह है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, अशोक कल खेलेगा। यहाँ पर हमारा जो कल शब्द है वो खेलेगा शब्द की विशेषता बता रहा है, अशोक खेलेगा लेकिन कब खेलेगा, तो वो कल खेलेगा। अगला हमारा प्रश्न है, जो लोक में संभव न हो वाक्यांश के लिए सार्थक एक शब्द क्या होगा? वाक्यांश हमारा, जो लोक में संभव न हो। जो हमारा वाक्यांश है जो लोक में संभव न हो उसे हम कहते हैं अलौकिक। क्या कहते हैं उसे, अलौकिक हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यहाँ पर जो चारों शब्द दिए गए हैं इनमें से अमृत शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? यहाँ पर हमारे जो चारों शब्द दिए गए सुधा क्षीर सोम अमीय, इनमें से हमारा जो अमृत शब्द का जो पर्यायवाची नहीं है वह ऑप्शन नंबर 2, क्षीर। क्षीर का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, दूध। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में साप शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? हमारा जो साप शब्द है उसका विलोम शब्द का प्रयोग हमारा कौन से ऑप्शन में किया गया है? यहाँ पर हमारा जो साप शब्द का जो विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है वो हुआ है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, आपके आशीर्वाद से हम कुशल हैं। यहाँ पर जो कुशल शब्द है वो साप शब्द का क्या है, विलोम शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है, ईद का रिक्त स्थान होना इस मुहावरे को पूरा करें। यहाँ पर हमारा जो सही मुहावरा होता है वो क्या होता है, ईद ईद का चांद होना। कौन सा शब्द आएगा हमारा सही उत्तर, चांद। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा, ईद का चांद होना। अगला हमारा प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। वाक्य हमारा, उसे कई ऐसी घटनाएं याद हैं जो उसकी जवानी में घटित हुई थी। यहाँ पर हमारा जो वाक्य वाक्य का जो अशुद्ध भाग है वह है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, घटनाएं याद हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक संख्या के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
प्रश्न नंबर 16 हमारा, रिक्त स्थान एक की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर हमारा जो प्रश्न नंबर 16 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक, समान। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, पहले पूरा संसार एक परिवार के समान था। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान दो की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान दो का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर दो, से। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, अब टुकड़ों में बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान तीन की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान तीन के अंदर हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर दो, मिल जुलकर। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, पहले बड़े बड़े दालानों आंगनों में सब मिलजुल कर रहते थे। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान चार की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान चार के अंदर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीन। अब इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थान पांच की पूर्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रिक्त स्थान पांच के अंदर जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर तीन, लगा है। इसे वाक्य में रखकर देखते हैं, अब छोटे छोटे डिब्बे जैसे घरों में जीवन सिमटने लगा है। ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आज की टेस्ट सीरीज आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।